सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। और कृष्ण भगवान के जन्म दिन के बाद भारत देश में झंडा बुलंद रहे और विश्व गुरु बने जल्दी से, बस भगवान से वही प्रार्थना करता हूं। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि जिस तरह से लगातार सिलवासा एवं आसपास विस्तार में जन्माष्टमी की धूम जो सर पर चढ़कर लोगों के बोल रही है, कहीं ना कहीं प्रेम और आस्था का पर्व जो है जन्माष्टमी को माना जाता है। और ऐसे में तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि किस तरह से आज इस सोसाइटी में जन्माष्टमी के ऊपर खास प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है? ऐसे हर साल किया जाता है हमारे इधर जन्माष्टमी का। लड़कियां राधा बन के आई है और लड़के कृष्ण बन के आई है, वैसे ही झांकी निकाले, सब बहुत अच्छे से तैयार होके आए हैं। तो बहुत जन्माष्टमी का उत्सव ऐसे लग रहा है सच में जी। क्या कहेंगी, खास तौर पर जिस तरह से सभी बच्चे जिस तरह से अलग अलग वेशभूषा में राधा कृष्ण बनकर आए हुए हैं, किस तरह का भक्तिमय माहौल बना हुआ है हमारी सोसाइटी में? ये पहली सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे हर कोई त्यौहार मनाया जाता है और सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से, और हमें खुशी रहती है कि बच्चों आगे आ रहे हैं बच्चे लोग जी। दीना जी क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर? सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है, यहाँ पे बूढ़े बच्चे हर एक कोई एंजॉय करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, रात को 12:30 बजे तक उत्सव मनाया जाएगा। बच्चे भी तैयार होकर आए, बूढ़े भी तैयार होकर आए, सब लोग एंजॉय करते हैं। जिस तरह से जन्माष्टमी का कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है और क्या खास चीजें आज हो रही है? सबसे पहले कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलना चाहूंगा। आज हमारी सोसाइटी में कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो आज पहले बच्चों के लिए विशेष झांकी रखी थी जिसमें सारे बच्चे कृष्ण राधा और राधा के सखा उनके सब बन के आए हैं। और उसके बाद में अभी हमारे यहाँ पे 9:30 बजे भजन संध्या चालू होगी जो कृष्ण अवतार 12 बजे तक चलेगी। 12:30 बजे प्रसाद का आयोजन किया गया है, तो ये हमारी एकदम स्क्वायर सोसाइटी के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम एक सभी के सहयोग के द्वारा किया गया है। और कल हमारे यहाँ पे दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया है जो शाम को 4 बजे से चालू होकर 7 बजे तक रहेगा। जय कन्हैया लाल। खासतौर पर अगर बात किया जाए, एकदम सोसाइटी जिस तरह से लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपना योगदान दे रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कार्यक्रम है और सोसाइटी के लोग किस तरह से इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखो, ये सब सदस्य एक एक्टिव होके पूरा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और सब बच्चे के लिए सब आयोजन कर रहे किए जा रहे हैं, तो सब बच्चे को भी मजा आ रहा है और सब इकट्ठा होके थोड़ा प्रोग्राम का आनंद लेते, वही एक दिन का एक नाम है जो उसके लिए बोल दिए है। तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से जन्माष्टमी की धूम यहाँ पर एकदम इस बार सोसाइटी में कराया जा रहा है। तमाम जो बच्चे हैं वो राधा कृष्ण के रूप में, बखूबी छोटे से बाल गोपाल के रूप में अलग अलग तरह के अलग अलग जो विभिन्न तरह से कॉस्ट्यूम्स पहनाए गए हैं, उनके माँ पिताजी जो भी है सभी मिलकर इस चीज को जो है बड़े ही अच्छे से जन्माष्टमी का पर्व जो है वो इस सोसाइटी के अंदर मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन इस्लाम और जाहिद के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइव, सिलवासा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी की मनोकामना पूरी हो, भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना है। मैं कुलदीप राजपुरोहित, भाजपा युवा मोर्चा, सिलवासा शहर वाइस प्रेसिडेंट। धन्यवाद।